नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। यमुनानगर में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अगुवाई में हजारों किसानों का जत्था दिल्ली के सिंघू बॉर्डर के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे में एक दिव्यांग किसान भी मौजूद था। इसकी दोनों टांगे बचपन से ही काम नहीं करती, इसके बावजूद वो खुद कार चलाकर लगातार आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं और आज भी जत्थे के साथ रवाना हुआ। 27 नवंबर 2020 यानी 7 महीने पहले नए कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आंदोलन शुरू किया गया। इसमें अपने बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, राजनेता, फिल्मी अभिनेता से लेकर गायक तक देखे गए। लेकिन यमुनानगर का एक किसान ऐसा भी है जिसकी बचपन से दोनों टांगे काम नहीं करती, इसके बावजूद मलकीत सिंह हिम्मत नहीं हारते। मलकीत सिंह के पास करीब 7 एकड़ जमीन है और वो इसी से अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं। उनका कहना है कि जिस तरह नए कृषि कानून देश में भाजपा सरकार लाने जा रही है, वो अन्नदाता को मारने का काम करेंगे, इसलिए हर किसानों को इस आंदोलन में भाग लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि वो कई बार दिल्ली में सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल होने जा चुके हैं और आज भी वो अपनी गाड़ी से अपने भाई को साथ लेकर इस आंदोलन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें परवाह नहीं कि उनका शरीर उनका साथ नहीं देता है, उन्हें फिक्र है तो सिर्फ अन्नदाता की, क्योंकि वो खुद भी एक किसान है। उन्होंने कहा कि यदि देश में अन्नदाता ही नहीं रहेगा तो देश भूखे मरने की नौबत पर आ जाएगा। वहीं मलकीत सिंह के भाई ने बताया है कि वो बचपन से ही अपनी टांगों के सहारे नहीं खड़े हो पाते हैं, लेकिन वो एक किसान के तौर पर सफल किसान हैं और उन्हें फसलों के लिए गाइड करते हैं। उन्होंने इस आंदोलन में भाग लेने में परिवार में से सबसे पहले अगुवाई की थी, वे भी उनके साथ लगातार इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं और जब तक नए कृषि कानून वापस नहीं हो जाते उनका परिवार पीछे नहीं हटने वाला है। यमुनानगर से हमारे संवाददाता राजीव जौली की रिपोर्ट। किसान आंदोलन में तो हिस्सा सबको लेना चाहिए जी। तो किसान आंदोलन में हम किसान के बेटे हैं जी, और किसान के बेटे भी ना हो ये तो हर एक के लिए जरूरी है, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है और जो ये काले कानून आएंगे हर एक बंदे को भूखा मारने की नौबत आ जाएगी जी, इसलिए किसान आंदोलन। तो जिस तरह आपकी टांगे आपका साथ नहीं दे रही, उसके बावजूद आप किसान आंदोलन में किसके सहारे जो है खड़े हो रहे हैं? देखो, सब तो पहला तो महाराज की कृपा जी, और टांगों की जरूरत नहीं है, जमीर की जरूरत है जी। अगर जमीर मर गई तो टांगों वाले की भी टांगे क्या करेंगे? क्या दिल्ली भी गए आप? दिल्ली मैं हाँ जाता रहता हूँ, बहुत बार जाए, आज भी जाऊंगा। तो कौन साथ लेकर जाता है आपको? मैं खुद अपनी गाड़ी चला के लेके जाता हूँ, खुद गाड़ी अपनी। आप अपनी सेवाएं किस तरह किसान आंदोलन में दे रहे हैं? मैं हर तरफ से अपनी सेवा देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ की भी अगर मेरे कुछ होने से, मरने से भी मेरे अगर ये किसान आंदोलन, मजदूर, महंगाई, इनको फायदा होता है तो मैं तैयार हूँ। तो क्या मानते हैं आप, कृषि कानून किस तरह गलत है? कृषि कानून तो बिल्कुल ही गलत है जी। अब आप बताओ, यो मुझे 10 रुपए की जरूरत है कहाँ से मांगे हम, और आज हमें जरूरत पड़ रही है, कोई दे ही नहीं रहा मंडी में। वो भी ये कह रहे हैं जो अब मंडी में आड़ती बैठे हैं, किसान आंदोलन खत्म होने के बाद ही देंगे। कितने एकड़ की खेती करते हैं आप? मेरे पास अपने हैं जी 6-7 किले। अच्छा, तो जिस तरह कृषि कानून लागू हो जाएंगे उसके बाद क्या लगता है आपको? उसके बाद तो जी देश ही खत्म है, बहुत औखा हो जाएगा जी हर वर्ग के लिए, खाली किसान के लिए नहीं, क्योंकि आज जो हमारे भाई हमारे पास मजदूर भी हैं वो कहाँ काम करेंगे, अडानी वानी थोड़ी खेतों में बढ़ने दे देंगे इनको। तो आपको क्या लग रहा है कि जब से कृषि कानून लागू है देश में उससे किसानों को कितना नुकसान हो रहा है? बहुत दिक्कत आ रही है सर जी, रोड के ऊपर देखो आप, हर रोड पर, यहाँ नहीं खाली, हर जगह देखो क्या हालात हो रहे हैं, कितना गवर्नमेंट बिना मतलब से खर्चा करवा रही है। सोवा खा के इन्होंने सरकार में सो खा के ये अब उनको भी भूल गया, रब को भी भूल गया। तो आपका परिवार आपके साथ है, कौन कौन साथ देता है परिवार में से? मेरे साथ मेरा सारा परिवार खड़े है जी। तो अभी परिवार का खर्चा कैसे उठा रहे हैं, क्योंकि आप तो किसान आंदोलन में भाग ले रहे हैं? नहीं, किसान जो खेती बाड़ी से चल रहा है जी खर्चा, तो अभी तक तो अपने हाथ में ही है खेती बाड़ी, अभी तो बड़े ग्रहण हो गए, हाथ में गई नहीं ना। तो अभी किसी प्रकार की कोई घर के खर्च के लिए दिक्कत आ रही है? दिक्कत सर जी डीजल पेट्रोल की बहुत आ रही है, महंगाई के कारण बहुत दिक्कत आ रही है जी। पहले 500 रुपए में बंदा दिल्ली आ जाता चला जाता था जी, अब 3000 रुपए में टंकी भर रही है, 2000 रुपए का डीजल का डोल भर जाता था, मैं खुद भरवा के लेके आया ट्रैक्टर पे। ठीक है, तो कैसे आप इनका साथ दे रहे हैं किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए? तो आप भी जाते हैं साथ में इनके? हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे कोई परेशानी आती है तो उसमें कैसे आप निपटारा करते हैं? हम इसी रेडी पे सारा घूम जाता है जी, तो व्हीलचेयर पे जाते हैं। हाँ जी, व्हीलचेयर पे जाता है, गाड़ी इसके अपने अपने आप चलाता है, गाड़ी अपने आप चला लेता है, खुद खेती करता है, ट्रैक्टर चलाता है, खेत भाई करता है।